विशाखा, मैं वो, मैं, मुझे गलत मत समझना, मैं राधिका, तुमने मेरा खत देव को दे दिया ना? अब क्या हुआ, ये ट्रेजेडी क्वीन क्यों बनी हुई है? तुम्हें देव से मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? मैं बस उन्हें खत देकर चली आई। मतलब कि काम हो गया, गुड गर्ल। अब ये चहलकदमी बंद करेगा हा? अगर चलने का इतना ही शौक है ना, तो गोवर्धन पर्वत के परिक्रमा करके आ। दादी, अगर परिक्रमा करने से विशाखा के दिल का हाल पता चल सकता है ना, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन दादी, कोई तो उपाय होगा। हाँ, तू एक काम कर, तू उसे फिर से एक खत ले और कह कि अपने दिल की बात मुझे फिर से लिख के भेजो, और इस बार चिट्ठी को प्लास्टिक में लपेट के भेजना, ताकि अगर जमुना जी में गिर भी गई तो उसके अक्षरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। नो वेज दादी, नो वेज, आई कांट ट्रस्ट लेटर्स नाउ। अरे तू उससे बात तो कर सकता है। अरे दादी, मैं बात ही तो करने गया था, लेकिन वो मुझसे इतना शर्माती है कि बस सिर्फ लेटर देके चली गई। अरे बेवकूफ, फोन पर थोड़ी ना शर्माएगी। या राइट। अरे दादी, क्या मैं सच में उसे फोन कर सकता हूँ? अगर अपनी दादी को मक्खन लगाए तो शायद मैं फोन पे बात करा दूँ। दादी, वेरी क्यूट दादी, स्वीट दादी, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट दादी। दादी मेरी, प्लीज बात करा दो विशाखा से, मैं आपको जिंदगी भर गुलाम बन जाऊंगा। अच्छा अच्छा, बंद करियो नौटंकी की, ला फोन दे। अरे दादी मेरा मोबाइल, दादी मैं अभी लेके आया, मैं अभी लेके आया। फौज जी से बात हुई मेरी। अच्छा। वो कल सुबह ही शगुन लेकर, अरे वाह, कल सुबह हम लोगों को जल्दी से तैयार हो जाना। जी हो जाएंगे। और विशाखा, तुम जरा समय से उठ जाना और समय से तैयार हो जाना। बाबूजी, मैं देखती हूँ। अच्छा ठीक है। हेलो विशाखा, मैं शांति देवी बोल रही हूँ, देव की दादी। जी, ये लो, देव से बात करो। हेलो, हेलो, सॉरी सॉरी, मैं जा रही हूँ, बात कर। हेलो विशाखा, क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रही? विशाखा, देव बाबू का फोन है। अब क्या कहना चाहते हैं? इतनी रात को? हेलो, हेलो। अरे करने दीजिए ना, दोनों का ब्याह होने वाला है। विशाखा? हाँ, मैं विशाखा ही बोल रही हूँ। तुम्हारी आवाज, क्या हुआ मेरी आवाज को? नहीं कुछ नहीं। कहिए
देखिए क्या कहना था आपको। कहना तो बहुत कुछ है मगर मौका ही नहीं मिल पा रहा। पूछना तो मुझे भी बहुत कुछ है पर आपने वो पढ़ा? हाँ पढ़ा, लेकिन एक बार वही बात आपसे सुन लेता तो। नहीं कह सकती। अच्छा ये बताइए कि आपका उस बारे में क्या विचार है? तुम्हारा यूँ खुलकर अपने दिल की बात लिखना मुझे बहुत अच्छा लगा। सच कहूँ तो तुम्हारे और मेरे ख्याल बहुत मिलते हैं। सच? बिल्कुल। तुम जैसा चाहोगी बस अब वैसा ही होगा। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आप, क्या मेरी खुशी के लिए। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ विशाखा। ओके गुड नाइट। थैंक गॉड अब तो सब खुटी खुट होगा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। देवकी जी परीक्षा की सारी तैयारियां हो गई? जी सारी तैयारियां हो गई। अरे लड़के वाले कुछ ही क्षण में आते ही होंगे। उस राधिका की छाव को शुभ कार्य से दूरी रखियो, बाद में कुछ ऊंच नीच हो जाए तो मुंह को ना कहियो। अम्मा जी आप चिंता मत करिए, वो बस विशाखा को सजा दे फिर अंदर ही रहेगी। उसे किनारे ही रखियो। जी अम्मा जी। अच्छा लग रहा है। अच्छा थोड़ा ओल्ड फैशन है ये। हाँ लेकिन तुम इसमें बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू वेरी मच। थोड़ी देर में लड़के वाले शगुन लेकर आते ही होंगे तो यहीं रुकना। हाँ मैं अभी आती हूँ। अरे जाना मैं यहीं हूँ। मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो यहीं रहूंगी क्योंकि वो लोग तो यहाँ आएंगे ही नहीं।